आप देख रहे हैं डीएन नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, डे नाइट न्यूज के हरियाणा बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव चक्रवर्ती। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में अलग शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गठन को लेकर पेश किया गया बिल पास हो गया है। विधानसभा में इस बिल के पास होते ही विपक्षी पार्टियों ने इस बिल का जमकर विरोध किया। भाजपा ने इस बिल का चुनावी स्टंट बताया तो इनेलो ने इसे सिक्कों बांटने की कवायद बताया। विपक्षी पार्टियों के विरोध के बावजूद हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र में अलग शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गठन को लेकर पेश किया गया बिल पास हो गया। विधानसभा में इस बिल के पास होते ही एचएचजीपीसी के गठन का निर्माण भी हो गया। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में 49 सदस्य होंगे, साथ ही प्रदेश के 52 गुरुद्वारों पर अब एचएचजीपीसी का हक होगा। मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश के तमाम सिक्कों को बधाई भी दी। हरियाणा में अलग से हरियाणा के सिखों की एच ई पी सी हो, ये हमारी मैनिफेस्टो में 2005 में थी और फिर 2009 में भी थी। उसमें हमने कहा था मैनिफेस्टो में हम प्रयास करेंगे और प्रयास हमारा जारी रहा और उसके आज जो है कानून में तब्दील कर दिया गया। सर ने स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा के सिख तहसील चौधरी भुपिंदर सिंह हुड्डा ने एक बिल में लिया के हरियाणा दी सिखां दी भावना की कदर की है। इससे पहले सदन में इस बिल के पेश करते ही विपक्षी पार्टियों ने इस बिल का जमकर विरोध किया। इनेलो नेता अभय चौटाला ने इसे कांग्रेस का चुनावी स्टंट बताया और सिखों में आपसी फूट भरने की बात कही। ये लेकर के आए हैं, ये केवल मात्र चंद लोगों को तो गुमराह किया जा रहा है और सिखों की भावनाओं के साथ आज खिलवाड़ किया जा रहा है। उनको आज आपस में इस पोजिशन में ला करके खड़ा कर दिया कांग्रेस पार्टी कि सिख गुरुद्वारे के कब्जे को लेकर के कल आपस में लड़े। ये तो सिखों का जो आपसी हरियाणा प्रदेश में जो भाईचारा है उसको खत्म करने में लगे। बहरहाल हरियाणा में अलग सिख गुरुद्वारा कमेटी का गठन हो गया है। हरियाणा प्रदेश के तमाम सिखों में खुशी की लहर है। ऐसे में देखना होगा कि लोकसभा चुनावों में करारी हार झेलने वाली कांग्रेस का ये चुनावी स्टंट विधानसभा चुनावों में कितना कारगर साबित होगा। आखिरकार काफी हंगामे के बाद एचएचजीपीसी का बिल आखिरकार पास हो गया। बेशक इनेलो और बीजेपी ने इसका पुरजोर विरोध किया और उनका साफ तौर पर कहना था कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये प्रदेश सरकार का एक राजनीतिक स्टंट है। बहरहाल इसका कितना फायदा चुनावों में होगा ये देखने वाली बात होगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज। विपक्षी इनेलो ने सदन में एचएचजीपीसी के गठन का जमकर विरोध किया और सदन से वॉकआउट किया। इनेलो ने प्रदेश सरकार पर सिक्कों को बांटने का आरोप भी लगाया। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता से बात की इनेलो नेता अशोक अरोड़ा ने। विधानसभा सत्र काफी हंगामेदार है, एचएचजीपीसी की अगर हम बात करें उस पर काफी हंगामा हुआ है, इनेलो ने उसका विरोध किया है। अगर हम बात करें अरोड़ा साहब एचएचजीपीसी के मुद्दे की तो काफी यहाँ पे ये अहम मुद्दा माना गया, काफी दिनों से चर्चा में है, आज यहाँ पे बिल पेश हुआ है, आप लोगों ने उसका विरोध किया है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी भी प्रदेश की असेंबली का, देश के पार्लियामेंट का काम होता है प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है कि नहीं है इस पर चर्चा करना, प्रदेश के कर्मचारियों को, व्यापारियों को, किसानों को क्या सुविधा मिले, मजदूर भाइयों को रोजगार मिले, परंतु ये काम असेंबली का नहीं है कि किसी धर्म के मामलों में दखलंदाजी करें। हमने इनको कहा कि आज हमारे प्रदेश में अनेक मुद्दे, आज शाह कमीशन ने हमें चंडीगढ़ दिया हुआ है इस पर चर्चा करो, सुप्रीम कोर्ट ने SYL का पानी हरियाणा को दिया हुआ है आप इस पर चर्चा करो, अलग हाईकोर्ट हमारा बने आप इस पर चर्चा करो, आज हरियाणा प्रदेश के आपके कंप्यूटर टीचर ठेकेदारों की मार झेल रहे हैं आप उस पर चर्चा करो, आज वो धरने पे बैठे हैं, एडिट स्कूल के टीचर धरने पे बैठे हैं, आज किसान को फसल का भाव नहीं मिल रहा उस पर चर्चा करो। इस पर चर्चा करने की बजाय आप उस पर चर्चा करो, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास है कि बांटना चाहती। इन्होंने 2005 में अपने घोषणा पत्र में कहा कि कमेटी बनाएंगे, नहीं बनाई,
2009 के घोषणा पत्र में कहा कि कमेटी बनाएंगे, नहीं बनाई। जब पार्लियामेंट के चुनाव के ठीक पहले हरियाणा प्रदेश के वो सिख भाई जिनको इन्होंने बकाया था वो समझ के उन्होंने हमारे पास आके मांग रखी कि हमारी बात कराओ। हमने बात कराई, उन्होंने सब कमेटी की मांग करके उन्होंने सब कमेटी मान ली, सब कमेटी का आज उन्होंने गठन भी कर दिया। तो उसके बाद ये कांग्रेस पार्टी का बिल लाने का कोई औचित्य नहीं। बिल्कुल, जिस तरह से उनका कहना है, प्रदेश सरकार के जो मंत्री उनका साफ तौर पर कहना है कि आज का ऐतिहासिक दिन है, उस पर क्या कहेंगे आप? ऐतिहासिक दिन के ऊपर क्या कहेंगे? जिस तरह से ऐतिहासिक दिन की बात कही है लेकिन आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐतिहासिक दिन किसको कहते हैं? क्या किसी कौम को बांटना? ये SGPC का गठन 1925 में हुआ जब अंग्रेजों की सरकार थी। बहुत सिखों ने कुर्बानियां दी थी इसके अंदर, बहुत लोग जेलों में गए थे, बहुत लोगों ने शहीदी दी थी, और गुरु गोबिंद सिंह ने पंथ के लिए कितनी कुर्बानियां दी थी। और जब उस लोगों को बांट के भी तुम ऐतिहासिक दिन बताते हो तो मैं नहीं समझता। अगर ये बिल पास हुआ तो आपका, आपकी तरफ से क्या रहे? हमने तो कहा कि इसको वापस लिया जाए। आगे विधानसभा चुनावों के लिए आपकी लोगों की क्या रणनीति? हम कोई ये इशू नहीं बनाते। हमने हमारी पार्टी का बड़ा स्पष्ट स्टैंड है कि हम किसी के धार्मिक मामलों में दखल नहीं देंगे। एक आज का ही दिन रखा है, काफी कम समय का एक दिन का सत्र रखा है, उस पर क्या कहेंगे? ये तो जा रहे हैं, इनकी विदाई पार्टी है, सेशन नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से अशोक अरोड़ा जी का साफ तौर पे कहना है कि HSGPC का मुद्दा है, कांग्रेस सरकार जो है राजनीतिक स्टंट विधानसभा चुनावों को देखते हुए राजनीतिक स्टंट जो है वो खेल रही है, लेकिन इनेलो जो है वो इसको कदापि भी जो है उसमें नहीं होने देगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज। वहीं इससे पहले पंचकुला में नाडा साहिब सिख सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें SGPC के अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ शामिल हुए। इस दौरान मक्कड़ ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर निशाना साधा और HSGPC के नाम पर सिखों को गुमराह करने का आरोप लगाया। इस मामले में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की भी मांग की है। शुक्रवार को नाड़ा साहिब सिख सम्मेलन में SGPC अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ ने कांग्रेस पर अलग SGPC बनाने के नाम पर सिखों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसा कर सिखों से दुश्मनी मोल ले रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से अलग कमेटी की घोषणा पर सैकड़ों सिख सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेंगे। मक्कड़ ने अलग कमेटी के गठन का विरोध जताते हुए केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। ये सरकार कार्रवाई करने जा रही है, कांग्रेस सरकार हरियाणा की, असि विरोध कर रहे हैं और विरोध के सेंट्रल इंटरवेंशन की अपील कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में कह रहे हैं कि तुम ये होम मिनिस्ट्री को दखल देवें, दखल दे के इनू रिस्टेन करे हरियाणा गवर्नमेंट को, जो यह कार्रवाई ना करे। जो अकाल तख्त पर ये हमारी संस्था बनी है गुरुद्वारा के प्रबंध के लिए, सिखों की अगवाई करने के लिए, उसको इस तरह से बांटना और कानून का आड़ लेना कि हमारे पास ताकत है, हम कानून से इसको बांट सकते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा गद्दारी सिखों के साथ और नहीं हो सकती। JBT भर्ती घोटाला मामले में दोषी ओम प्रकाश चौटाला और अन्य 55 अभियुक्तों की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही JBT मामले में सुनवाई आज खत्म हो गई। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मदुरल ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में कुल 55 आरोपी हैं जो सजायाफ्ता हैं, जिनमें इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला और कई अधिकारी भी शामिल हैं। इन सबको 16 जनवरी 2013 को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ सभी आरोपियों ने 11 जुलाई 2013 को दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। एक साल बाद कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा है। वहीं इससे पहले कोर्ट में ओम प्रकाश चौटाला की अंतरिम जमानत बढ़ा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने खराब सेहत के आधार पर चौटाला की जमानत बढ़ाई है। चौटाला 25 जुलाई तक जेल से बाहर रहेंगे। रोहतक मुठभेड़ मामले की जांच स्टेट क्राइम ब्रांच करेगी। रोहतक के IG ने इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली पुलिस ने 7 जुलाई को मुठभेड़ में 2 लोगों को मार गिराया था। इसमें से एक के परिजनों ने दिल्ली पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया था। मुठभेड़ रोहतक के बजरंग भवन के पास हुई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मामला फिरौती का था और मारा गया व्यक्ति वॉन्टेड अपराधी था।
हरियाणा में अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं, जहां वो अब पुलिस पर भी फायरिंग करने से पीछे नहीं हटते। ऐसा ही एक मामला भिवानी के गांव नागल में देखने को मिला, जहां पर एक अपराधी को पकड़ने गई टीम पर ही अपराधी ने अपने बचाव के लिए गोली चला दी। गोली पहल थाना में तैनात हेड कांस्टेबल रविंद्र के पांव पर लगी, जिसको उपचार के लिए हिसार के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जबकि घटना के बाद से ही आरोपी फरार है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया था, लेकिन परिवार के बीच बचाव के दौरान घर के सदस्य ने राजेंद्र को रिवॉल्वर दे दिया और उसने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक हेड कांस्टेबल घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें बनाई हैं। हमारी टीम अंगल गांव में एक हाथी नाम का लड़का है, वो राजेंद्र उर्फ हाथी, वो चैड का एक मुकदमा है, प्रदीप है, उसके बहन पे दर्द बढ़ा है, उसके संबंध में नांगल गांव में गई हुई थी, तो हमारी टीम पर उसने फाइल कर दिया हाथी नाम के लड़के ने। तो हमारा हेड कांस्टेबल रविंद्र है, उसको पैर में गोली लगी और वो टीम नूगी नू सारी हार गई हुई है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के लिए इलाज के लिए। गुड़गांव में देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रॉ के आईजी स्तर के एक आला अधिकारी पर एक एक्सपोर्ट कंपनी की एमडी के घर में घुसकर जबरदस्ती का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला मणिपुर की है और पिछले काफी समय से गुड़गांव के डीएलएफ में रहकर अपनी कंपनी चला रही है। दरअसल घटना 30 जून की है, जब एक 45 वर्षीय पुरुष ने अपने आप को इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रॉ का आईजी स्तर का अधिकारी राकेश नंदा बताकर महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और जब महिला ने शोर मचाया तो रॉ अधिकारी वहां से फरार हो गया। वहीं महिला का आरोप है कि पुलिस इस मामले में कमजोर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते पुलिस ने घटना के 8 दिन बाद FIR दर्ज की। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि मामला रॉ के एक बड़े अधिकारी का है, इसलिए पूरी जांच करने के बाद ही मामला दर्ज किया गया है और वो अरेस्टिंग के पूरे प्रयास कर रही है। नो, the FIR just mentioned two sections which is like I said did not cover the relevant points of my complaint, which is forceful entry without any permission or warrant to my house, to a single girl's home, and second, intimidating me and my maid and frightening us and threatening, okay? And third is that outraging my modesty, humiliating me, and false allegations. फरीदाबाद के पिछड़ा वर्ग संघ ने शुक्रवार को लघु सचिवालय पर सरकारी नौकरी से लेकर राजनीति में आरक्षण की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और चेतावनी दी, यदि सरकार ने उनकी मांगों को जल्द नहीं माना तो लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनावों में भी संघ कांग्रेस का विरोध करेगा। संघ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। इनकी मांग है कि सरकार पिछड़ा वर्ग ए और बी श्रेणी के लोगों को दूसरे क्षेत्रों की तरह सरकारी नौकरियों और पंचायत से लेकर लोकसभा में 27% आरक्षण दे। हमारी मांगे हैं पिछड़े वर्ग ए को 16% जो सरकार ने दे रखा है उसको क्लास वन की नौकरियों में लागू किया जाए और राजनीतिक में ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक को राजनीति में 16% आरक्षण बीसी ए को और बीसी बी को 11% अलग अलग दिया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हमने लोकसभा चुनाव के अंदर जो इश्तेहार बांट के 1,00,000 जो पंपलेट बांटा है लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने के लिए, वही काम पूरा हरियाणा में पिछड़ा वर्ग संघ काफी संख्या में इश्तेहार छपा के पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस का बिल्कुल सूटा साफ कराने के लिए कमर बंद है। प्रदेश सरकार अक्सर हरियाणा को शिक्षा हब बनाने का दावा करती है, लेकिन पानीपत के गांव खुकराना का प्राइमरी स्कूल सरकार के इन दावों की पोल खोलता नजर आया, जब डे नाइट न्यूज की टीम ने इस स्कूल का दौरा किया। पानीपत का गांव खुकराना और यहां नजर आने वाली ये बिल्डिंग पुरातत्व विभाग का कोई खंडर नहीं, बल्कि यहां का प्राइमरी स्कूल है। जी हां, स्कूल की दीवारें हो, छत हो या फिर फर्श, सभी पूरी तरह जर्जर हालत में। छत का प्लस्तर ऐसा कि ना जाने कब किसी बच्चे या टीचर पर आ गिरे और फर्श में गड्ढे इतने गहरे कि खेलते वक्त बच्चों का गिरना आम बात है। यही नहीं, स्कूल में ना तो बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त बेंच हैं
और ना ही शौच की कोई खास सुविधा। नन्हे नन्हे बच्चे काफी दूर मौजूद नल से पानी भरकर शौच पर जाते हैं। शिक्षा पर सालाना करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद इस स्कूल में प्रथम और द्वितीय कक्षा के नन्हे मुन्ने बच्चे एक ही कमरे में जमीन पर दरियों पर बैठने पर मजबूर हैं। वहीं शिक्षिका भी परेशान है, लेकिन करें भी तो क्या करें। राग से दुखी हो रहे हैं और छत गिरने का डर रहता है, खड़े हो रहे हैं, खेलते वक्त डर रहता है, गिर जाते हैं। ऐसा नहीं कि उच्चाधिकारी इस स्कूल की समस्याओं से परिचित नहीं। स्कूल प्रशासन ने इस बारे में कई बार जिला उच्चाधिकारियों से शिकायत की, लेकिन आज तक इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो पाया। ऐसे में अगर स्कूल में कोई हादसा घट गया तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। स्कूल में ये जो दीवारें हैं बिल्कुल जर्जर हैं, क्योंकि यहाँ वाटर लेवल होने के कारण दीवारों में से सीलन जाते हुए ऊपर लेंटर तक पहुँच चुकी है। छत और फर्श की ही यही प्रॉब्लम है कि सबसे ज़्यादा, और मिट्टी धूल की भी काफ़ी है, क्योंकि राखी इतनी आती है उससे बच्चे भी बीमार होते हैं, क्योंकि उससे त्वचा की जो बीमारियाँ हैं वो बच्चों में है, आँखों में उनके जलन पैदा होती है। वहीं स्कूल के पास में ही बना थर्मल भी बच्चों के लिए सरदर्द बना हुआ है। थर्मल से उड़ने वाली राख न केवल छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य के लिए घातक बनी हुई है, बल्कि थर्मल की झील के कारण जल स्तर इतना ऊपर है कि बारिश के दिनों में पानी प्रांगण में भर जाता है, जिसके चलते जर्जर हालत में खड़ी स्कूल की दीवारें और लेंटर सड़क से गुजरने वाले भारी वाहनों के कंपन से गिरता रहता है। जून माह में भी ऐसा ही प्लास्टर का एक बड़ा टुकड़ा जमीन पर आ गिरा, लेकिन गनीमत ये रही कि गर्मियों की छुट्टियों के चलते कोई दुर्घटना नहीं हुई। मैंने अभी 15-20 दिन में एक किया है, तो पुराना स्कूल DW जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत आता है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट DO के पास, ठीक है। और कल ही मुझे इस बात के बारे में पता चला था, आज मैं वहाँ है, आज DW मैडम ने जा करके वहाँ की कार्रवाई पूरी कर दी है, जैसे भी वहाँ का प्रॉब्लम। आखिर ऐसे में कैसे माना जाए कि हमारा हरियाणा शिक्षा के क्षेत्र में नंबर वन है? कैसे माना जाए कि हरियाणा शिक्षा का हब बनने की कगार पर है? कैसे माना जाए कि हमारे प्रदेश के भविष्य के ये नन्हे मुन्ने बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे और देश प्रदेश का शिक्षा स्तर दूसरे देशों के बराबर या बेहतर हो पाएगा? पानीपत से राजकुमार के साथ प्रीति गोयल, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। पानीपत की आनंद टेक्सटाइल इंटरनेशनल फैक्ट्री में एक मशीन फट गई। इस हादसे में 2 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फैक्ट्री प्रशासन झुलसे हुए 3 मजदूरों को पानीपत के सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने एक की हालत गंभीर देखते हुए उसे रोहतक PGI रेफर कर दिया है, जहाँ उसकी हालत जो है वो अभी भी नाजुक बनी हुई है। हरियाणा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन DNI न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।